दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि मैम आप अपने पौधों की किस टाइप से केयर करती हो, आप डेली रूटीन में उन्हें किस टाइप से पानी वगैरह देती हो, किस टाइप से जो भी उनकी केयर होती है आप हमारे संग शेयर किए। तो मैंने सोचा आज मैं अपनी शाम में आई टेरेस पे आती हूँ, तो अभी विंटर्स है तो मॉर्निंग में पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती प्लांट्स को, तो मैं इवनिंग में पानी देती हूँ। तो मैं किस तरीके से पानी देती हूँ और हर एक प्लांट के बारे में, अभी समर आने वाला है तो इनकी किस टाइप से केयर करनी है या किस प्लांट को किस चीज़ की नीड है, वो सब चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सो वीडियो को अच्छे से देखिए और लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि मेरे जो भी पौधे हैं वो ठीक ठाक हैं, कोई मुरझाया हुआ या कोई कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। मैं इस टाइप से देखती हूँ, जैसे अगर मेरा गुलाब है अभी तो फ़िलहाल ये खिला हुआ है, और अगर नहीं भी है ना, जैसे ये वाला है, तो मैं इसको इसकी पिंचिंग कर देती हूँ ये इस टाइप से। तो ये पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है और ये आपका फर्स्ट काम होता है टेरेस पे आके शाम को। जो भी है मैं सबसे पहले जो मेरे फ्लावर्स वगैरह स्प्रेड हो जाते हैं तो मैं उनकी पिंचिंग करती हूँ। और जैसे कोई येलो लीव्स वगैरह होते हैं, ये देखिए मैं ये सब चीज़ें मैं डेली रूटीन में करती हूँ दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सब चीज़ें ना आपके जो अच्छे पौधों में जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना उनको उनकी एनर्जी वेस्ट करती है। जैसे कोई भी जैसे अब पौधा आपका आगे ग्रो कर रहा है तो ये पीली लीव्स की उससे ना उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो मैं सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि मैं पौधे में से ये प्लांट्स में से ये येलो लीव्स वगैरह ये सब मैं रिमूव कर देती हूँ। ये दोस्तों आप भी ऐसा करिए करें, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं। और दोस्तों मैं सबको यही सजेशन दूंगी कि गार्डनिंग कर रहे हैं तो प्लांट्स के सभी काम आप खुद से करिए, जो रिलैक्स फील होता है ना दोस्तों, आपका डेली रूटीन की जो स्ट्रेस होती है ना वो सब इन प्लांट्स के आते ही, इन प्लांट्स का काम करते ही सब छूमंतर हो जाती है। सो आप ये सब चीज़ें करिए। देखिए जैसे ये फ्लावर इसका गुलाब का ये फूल है, ये अब ख़राब हो गया है तो मैं इसको यहाँ से पिंच कर दूँगी, ये देखिए इस टाइप से। अब मैंने डेड हेडिंग कर दी है, अब मैंने सभी अपने प्लांट्स देख लिए हैं कि किसी को किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। जैसे हो जाता है ना दोस्तों कभी कोई कबूतर या गिलहरी वगैरह पौधे को नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं, सबसे पहले मेरा वो काम होता है कि उसको मैं सही करूं, ठीक है। दूसरा उसके बाद मैं अपना पानी वगैरह का प्रोसेस शुरू करती हूं, क्योंकि मैं अभी विंटर्स है मैं एक ही टाइम पानी देती हूं, तो जिन पौधों में ज़्यादा नीड होती है उनको ज़्यादा पानी, और जिनमें कम नीड होती है मैं कम पानी देती हूं। दोस्तों मैं एक कोने से स्टार्ट हो जाती हूं अपने गार्डन के। अब ये तो फ्लावरिंग प्लांट नहीं है तो मैं इसको ऊपर से भी दे देती हूं। जैसे कोई फ्लावरिंग प्लांट होता है तो दोस्तों उसके ऐसे ऊपर से मत दीजिए प्लांट्स को, क्योंकि जो उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। आप ऐसे से दे दीजिए पानी, क्योंकि अभी तो इसमें फ्लावर्स आ नहीं रहे हैं, ये अफ्रीकन पिटोनिया है। तो ये देखिए अभी ये ग्रीन हो गया है बिल्कुल, मैंने इसकी कटिंग कर दी थी और मैंने इसकी रूट बॉन्ड हो गई थी, तो मैंने इसका पॉट भी चेंज करा है, तो वो वीडियो भी मैंने आपके संग शेयर करी थी, आप मेरे यूट्यूब पर देखना। ये मेरा वो है बुगनवेलिया है, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है। इसे आप दो दिन में भी देंगे तो भी चलेगा, बट ठीक है थोड़ा सा गर्मी में ख़राब ना हो इसलिए। ये मेरा हिबिस्कस है इंग्लिश वाला, पुणे की वैरायटी, इसमें मेरा ऑरेंज कलर का फ्लावर्स आता है, ये देखिए इसमें अभी ये देखिए इसमें डोरियाँ बन रही हैं, ये देखिए इसके बर्ड्स बन रहे हैं छोटे छोटे, बहुत प्यारे फ्लावर्स आते हैं दोस्तों। ये बहुत इतना बिग साइज़ में आता है ना इसका फ्लावर्स, बहुत सुंदर फ्लावर्स आता है। तो ये देखिए मेरा अपराजिता प्लांट, मैंने इसके जितने भी लीव्स थे ना दोस्तों लास्ट ईयर के वो सब मैंने रिमूव कर दिए, और देखिए कैसे न्यू लीव्स आ रहे हैं। अभी ये देखिए दोस्तों मैंने 1 वीक पहले ही करे थे और देखिए कितने प्यारे लीव्स आने लग गए दोबारा से, अब इसमें दोबारा से जान आ गई है। तो दोस्तों एक बार ये प्लांट अगर आपके गार्डन में ऐड हो जाए तो ये दोबारा मतलब कभी ख़राब नहीं होता है, मतलब मोस्टली ख़राब नहीं होता है। अब बहुत ज़्यादा पानी वानी नहीं मिला या ओवर वाटरिंग होगी तभी ख़राब होता है। ये है दोस्तों मेरा टिकोमा, ये देखिए इसके फ्लावर्स वगैरह स्टार्ट हो गए। मैं जल्द ही आपके साथ इसकी वीडियो भी शेयर करूंगी और इसकी केयर भी शेयर करूंगी। प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं और ये पूरा भर जाता है। और ये देखिए मैंने इसको ना NPK 19 दी थी और मैंने इसको देती रहती हूँ मैं फर्टिलाइज़र वगैरह, क्योंकि 15 डेज़ के गैप में अभी मैंने इसको 4-5 दिन पहले इसमें क्या डाला था, सरसों की खली डाली थी जिसे मस्टर्ड केक कहते हैं दोस्तों। तो देखिए कितने अच्छे रहते हैं, मतलब पौधों के बिना दोस्तों न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं टाइम टू टाइम। मैं हर 15 डेज़ में कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ, जैसे कभी वर्मी कंपोस्ट डाल दी, कभी NPK डाल दी, कुछ भी मतलब कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें डालती रहती हूँ, कभी कोई वैसे जो मेरे ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होते हैं प्याज के पत्ते वगैरह भिगा के या
बनाना के बनाना पील्स का फर्टिलाइज़र वगैरह वो सब चीज़ें मैं अपने प्लांट्स में यूज़ करती रहती हूँ। तो आप भी सभी ये सब चीज़ें यूज़ करें। दोस्तों ये देखिए मैंने हिबिस्कस की, दोस्तों ये भी बेस्ट टाइम है जो ये हिबिस्कस है, ये नॉर्मल वेराइटी है जिसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं ये। तो दोस्तों इसकी मैंने अभी इसमें रूट बॉन्ड की प्रॉब्लम हो गई थी और मेरा गमला टूट गया था। सो दोस्तों ये बहुत अच्छा टाइम है, ये बेस्ट टाइम है कि आप जो गुड़हल का प्लांट है इसके दोबारा से रिपोर्टिंग करें, क्योंकि दोस्तों अगर इसमें अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो पौधा अच्छे फ्लावर्स नहीं देगा। अब इसका सीज़न है, इसमें बहुत मात्रा में फूल आते हैं, तो आप इसकी रिपोर्टिंग करें। और देखिए दोस्तों मैंने इसको बुशी बनाने के लिए मैंने इसकी ये कटिंग भी कर दी है। ये देखिए पहले मेरा ये पौधा इतना बड़ा था, मैंने इसकी छोटी छोटी कटिंग करके और थोड़ा सा शेप में दे दिया है। आप भी इस तरीके से इसमें कर सकते हैं। ये गर्मियों का अभी बहुत काम हो जाते हैं गर्मियों में दोस्तों, मेरे कितने पौधों की मैंने रिपोर्टिंग करी है, तो आप भी ऐसा करिए। ये देखिए दोस्तों मेरा पोटोल का, ये मैंने अभी इसकी कटिंग करी थी, ये यहाँ से मैंने इसको शेप दी थी, यहाँ से इसको शेप दी थी मैंने। तो देखिए इसमें ग्रीन लीव्स आने लग गए हैं ये, तो ये अच्छा हो गया। ये मैंने हैंडमेड बनाया है खुद से, तो मैं कभी इसके संग आपके संग इसकी वीडियो शेयर करूँगी। दोस्तों आपको कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई भी प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगी और उसका सॉल्यूशन भी देने की कोशिश करूँगी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये है कनेर, मेरे इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं और देखिए इसके बर्ड्स बनने लग गए हैं। ये देखिए बर्ड्स बनने लग गए हैं इसके, ये अब इसका सीज़न है क्योंकि मेरा लास्ट ईयर का प्लांट है, तो इसमें कोई रूट बॉन्ड की प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और ये मेरा एक्जोरा है, ये दोस्तों बारिश के टाइम पे मेरे इसके सारे लीव्स ना गिर गए थे, अब इसमें दोबारा से लीव्स आएंगे नए। और देखिए दोस्तों मेरा ये अभी ये गीला ही हो रहा है तो मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं दूंगी। ये मेरा है, ये देखो मेरा एक्जोरा प्लांट है और इसको मैं कम ही पानी दूंगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी है, इससे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों बहुत अच्छा प्लांट है, जो इसके फ्लावर्स हैं ना दोस्तों महीने डेढ़ महीने दो महीने तक टिके रहते हैं और एक बार आते हैं, इतनी सारी मात्रा में फ्लावर्स आते हैं। मेरे पास ये भी है और वो भी है, मैंने ये कटिंग से ये वाला ऐसी मेरे बेटा खेल रहा था तो एक उसका टहनी सी टूट गई, मैंने इसको लगाया और ये दोबारा से सरवाइव हो गया। और देखिए कितना अच्छा है, ये देखिए मेरे दोस्तों ये मेरा वर्बीना का प्लांट है दोस्तों, ये देखिए कितने सारे फ्लावर्स आ रखे हैं, इसमें भी मैं कम कम पानी देती हूँ। और ये मेरा है मोरपंखी, ये मैंने डबल उसमें लगा रखा है, दो का जोड़ा है दोस्तों। ये मेरा बोनसाई प्लांट बनाया मैंने जेड का, तो अभी मैं इसकी भी आपके संग वीडियो शेयर करूँगी जल्द ही, तो मैंने किस टाइप से इसका बोनसाई बनाया और ये बहुत सुंदर लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल यूनिक है और सबसे अलग है। तो इसमें मैं अभी पानी नहीं दूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें मिट्टी गीली है। तो दोस्तों खासकर ध्यान रखें कि जिस पौधे में मिट्टी गीली है तो उसे पानी ना दीजिए, अगर मिट्टी सूखी है तभी आप पानी दीजिए, नहीं तो पौधे में क्या होता है ओवर वाटरिंग से भी पौधा ख़राब हो जाता है, अंडर वाटरिंग से भी पौधा ख़राब होता है और ओवर वाटरिंग से भी पौधा ख़राब हो जाता है। ये देखिए दोस्तों ये ड्राई है तो मैं इसको इसमें पानी दूंगी ऐसी। दोस्तों मैंने ये अशोक का मेरा पेड़ है, इसको भी मैंने अभी रिपोर्टिंग करी थी आपको। दोस्तों जैसे पेड़ वगैरह होते हैं ना जो हैवी मतलब बड़े वाले पौधे होते हैं, ये टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग मांगते हैं साल में, मतलब आप कर दीजिए, मतलब जैसे इसका सीज़न आता है तो आप टाइम टू टाइम इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। दोस्तों ये मेरा था पौधा है और मैंने एक एक लेयर एक डंडी सी जा रही थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था ये प्लांट, तो मैंने अब वैसे भी इसके लीव्स वगैरह गिर जाते हैं विंटर्स में कड़ी पत्ते के, तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है। देखिए मैंने किस टाइप से इसकी कटिंग करी है और मैंने तो वैसे कोशिश करी है कि इसकी जो मैंने कटिंग करी थी वो मैंने लगा दी है और ऊपर से मैंने फंगीसाइड का पेस्ट लगा दिया था ताकि इसमें फंगस का कोई अटैक ना हो। तो आप ऐसे कर सकते हैं क्योंकि कड़ी पत्ते की अब सीज़न है, उसमें लीव्स वगैरह अच्छे से आ जाएगा और काफ़ी बुशी हो जाएगा। ये मेरा टमाटर का प्लांट है, ये भी ऑलरेडी गीला है तो मैं इसको कम ही पानी दूंगी, मैं ज़्यादा पानी नहीं दूंगी। दोस्तों देखो जैसे ये देखिए ये गीला ऑलरेडी गीला है, शायद आज धूप भी कम आई है, तो जिस पौधे में मिट्टी नमी है ऑलरेडी तो आप उसमें पानी ना दीजिए। ये देखिए ये मेरा सदाबहार का प्लांट है, अब इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है धीरे धीरे, ये भी मैंने सीज़न के बाद इसमें यहाँ से इसको यहीं से ही कट कर दिया था बुशी करने के लिए, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है सदाबहार लटक से जाते हैं। देखिए दोस्तों मेरा कितना प्यारा सदाबहार है और ये देखिए कितना बुशी है, ऐसे ही आपका भी हो जाएगा, आप टाइम टू टाइम कटिंग करिए। ये मेरा डहेलिया का प्लांट है, ये देखिए इसमें बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं और ये विंटर्स का प्लांट है, बहुत खूबसूरत जैसे सूरजमुखी का प्लांट
फ्लावर आता है ना वैसे ही आते हैं। ये मेरा रोज़ प्लांट है वाइट कलर का, ये मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे दिया था, तो हम आपस में फ्रेंड्स वगैरह आदान प्रदान करते रहते हैं पौधों का। आप भी ऐसा करिए शेयरिंग से, कोई भी पौधों में शेयरिंग तो अच्छा होता है कहते हैं ना, तो शेयरिंग करना अच्छी बात है। आप भी अपने पौधों अपनी फ्रेंड्स वगैरह से शेयर करिए, उनके पौधे आप ले आइए, अपने पौधे आप दे आइए, तो अच्छा रहता है दोस्तों, अपनी चीज़ें शेयर करना तो अच्छी बात है। तो ऐसे तो दोस्तों मैं हमेशा कहूँगी कि अगर गार्डनिंग आप कर रहे हैं और आप शौकीन हैं तो अपने काम अपने आप से करिए। कहीं आप सोचे कि मैं एक गार्डनर रख लूँ वो आपके पौधों की देखभाल करेगा, तो दोस्तों वो आपके पौधों की देखभाल नहीं करेगा, क्योंकि कहते हैं ना अपना माल होता है तो अच्छे से केयर होती है और दूसरों के उसमें कहाँ इतनी केयर हो पाती है। तो अगर आप अच्छे से एक एक चीज़ की नॉलेज ले लेंगे, आजकल दोस्तों गूगल है यूट्यूब वगैरह है तो उससे बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाती है, तो आप हर एक पौधे की पर्सनली नॉलेज लेके आप उसकी देखभाल कर सकते हैं। आप 5 पौधे रखिए मगर 5 की देखभाल करिए और खुद से करिए, कोई गार्डनर रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सुकून और जो शांति मिलती है ना अपने पौधों की अपने आप से केयर करने में वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी उससे नॉलेज भी गेन होगी और आपका टाइम भी उसमें अच्छे से स्पेंड होगा। मैं मॉर्निंग में आती हूँ इवनिंग में आती हूँ तो बहुत अच्छे से टाइम मेरा इसमें, मेरे को आप 2-2.5 घंटे भी लग जाते हैं कितनी कितनी बार, और टाइम ऐसे गायब हो जाता है बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। ये देखिए दोस्तों मेरा गुड़हल का प्लांट है, नहीं गुड़हल सॉरी, ये मेरा है गुलदावरी का येल्लो वाला प्लांट है। अब इसका अभी वैसे सीज़न चले गया, मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी है, अब शायद इसमें दोबारा से ना बर्ड्स बनेंगे मुझे ऐसा लग रहा है, दोबारा से अप्रैल तक इसमें आ सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप से तो मैंने ये वाला पोर्शन अच्छे से दे दिया है। अब ये देखिए दोस्तों इधर ही अभी मैंने नए प्लांट्स लगाए हैं, दोस्तों इसकी वीडियो मैं आपके संग जरूर शेयर करूँगी इसकी केयर कैसे करते हैं। तो ये देखिए इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो रखी है, सुबह मैंने इसको इसकी गुड़ाई भी कर दी थी, और मैं देखिए दोस्तों ऐसे पानी नहीं दे रही ये ऊपर से, मैं हमेशा पौधे को ऐसे लीव ऐसे करके यहाँ नीचे से पानी देते हैं, ताकि अगर इनके फूलों के ऊपर पानी गिरेगा ना तो ये फूल बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, ये ऐसे मैंने सीड्स वगैरह से उगाए हैं। अब देखिए ये मिट्टी गीली है तो इस टाइम मैं इसमें पानी नहीं दूँगी और इसके फूलों के ऊपर भी पानी नहीं दूँगी। तो दोस्तों ऐसे केयर करते हैं, और ये देखिए दोस्तों इसका भी बहुत ज़्यादा रूट बॉन्ड हो गई थी इसकी भी, तो मैंने अभी इसको, ये है मेरा मधुमालती, आपके पास भी अगर मधुमालती है दोस्तों, और क्योंकि मैंने इसको बड़े पॉट में नहीं लगाया हुआ है, इसको बड़े पॉट की रिक्वायरमेंट है और वो मेरे पास फ़िलहाल मैंने नहीं लगाया, तो मैंने इसी पॉट में इसकी रिपोर्टिंग कर दी, और इतनी मोटी तो इसकी परत निकली थी केक की तरह इसकी जब मैंने रिपोर्टिंग करी थी, बहुत, क्योंकि इसमें लास्ट ईयर क्या हुआ था दोस्तों बहुत अच्छी नहीं हुई थी इसमें फ्लावरिंग वगैरह और बहुत अच्छी बेल नहीं हो पाई, तो मैं थोड़ा सा परेशान थी कि क्यों नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे मैंने देखा था उसमें रिपोर्टिंग की प्रॉब्लम थी, रूट बॉन्ड हो गई थी, तो मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी। दोस्तों आप समझ जाया करिए कि अगर आपके पौधे को आप सब कुछ दे रहे हैं, पानी भी टाइम टू टाइम दे रहे हैं, न्यूट्रिशंस भी टाइम टू टाइम दे रहे हैं, और उसके बाद भी फ्लावर्स आगे को ग्रो नहीं कर रहा है तो उसको रूट बॉन्ड की प्रॉब्लम है। आप नीचे से देखिए उसके छेद वगैरह में अगर जड़ें आ रही है तो पौधा रिपोर्टिंग मांग रहा है, आप उसे उसी टाइम रिपोर्टिंग करें। और अब इसका आपको पता है मधुमालती का सीज़न स्टार्ट होने वाला है और इसकी अच्छी खासी बेल होती है, तो इसे अच्छे से पहले तो बड़े गमले की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आप उसी गमले में भी शिफ्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए, उसकी जो ख़राब जड़ें हैं वो सब काट कूट के और न्यू मिट्टी के साथ, और जो भी आप उसमें डालना चाहते हैं कंपोस्ट वगैरह या जो भी अदर जो फर्टिलाइज़र वगैरह होते हैं वो सब डाल के आप इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। अब ये मेरे इंडोर प्लांट्स हैं, ये एलोवेरा का है, इसमें मैं कम ही पानी देती हूँ, इसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड, ये मेरे इंडोर प्लांट्स हैं, इनमें ना ज़्यादा धूप नहीं होती है तो मैं इनमें कम ही पानी डालती हूँ। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया बिल्कुल हल्का, इसमें मैं ऊपर से ज़्यादा दे देती हूँ पानी। ये देखिए मेरा डिफिन बेकिया, ये मैंने डंडे से उगाया था दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये मेरा अरेका पाम है, इसको मुझे नीचे ले जाना था, बालकनी में रखना था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इसको धूप ज़्यादा मिल रही है तो इसलिए इसकी लीव्स वगैरह देखिए दोस्तों जल गए हैं। तो ना दोस्तों इस टाइप से ये लीव्स वगैरह इसलिए जल जाते हैं क्योंकि इसको धूप ना के बराबर ही चाहिए होती है। अगर आप इसको इंडोर में ही रखिए और हफ्ते में एक दिन भी धूप लगाएंगे तो दोस्तों इसके लिए इनफ है, और मैंने इसको डेली की धूप मिल रही है इसको 3-4 घंटे की, तो इसलिए इसके लीव्स वगैरह ना जल गए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी इसको नीचे ले जाऊँ, मैं अपने घर में रखूँगी इसको बालकनी वगैरह में, इनमें हल्का हल्का पानी दे देती हूँ। तो दोस्तों ऐसे टाइम आपका इन गार्डन
इन प्लांट्स के लिए, इन प्लांट्स पे अच्छे से स्पेंड होता है। ये देखिए मैंने ये अपने आप से बॉटल्स वगैरह का यूज़ करके बनाए थे मैंने, और मैंने इसमें ये स्पाइडर प्लांट लगा रखे, बहुत सुंदर लगते हैं दोस्तों ये, आप भी ट्राई करना और मैं इसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। दोस्तों ये है मेरे पिटोनिया, ये देखिए इसके मेरे पास चार शेड हैं और चारों मैंने इसको हैंगिंग बास्केट में लगा रखे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं दूर से सब लोग इसको देखते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं और कहते हैं कि आपका गार्डन बहुत सुंदर है। ये देखिए दोस्तों मैं ना इसमें चेक करती हूँ, अब क्योंकि मैं इतना ऊपर तो चढ़ नहीं सकती हूँ, अब इसकी मिट्टी ना ड्राई है इस टाइम, मैंने इसको चेक कर लिया तो मैं इसको पानी देती हूँ, और मैं इसके ऊपर से पानी नहीं देती हूँ, मैं इसको यहीं बास्केट में यहीं से पानी दे देती हूँ, इसलिए मैंने ये पाइप में ना थोड़ा सा स्प्रे वाला सिस्टम करा हुआ है, ये यहाँ साइड साइड से पानी दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनको। ये देखिए इस टाइप से 17 अब अभी 18 हुई है दोस्तों, इस टाइप से मैं इसमें पानी दे देती हूँ, और अगर मुझे कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह देने हैं तब मुझे बास्केट को नीचे उतारना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा गुड़ाई वगैरह करने के लिए ये बहुत ऊंचा हो जाता है, तो बास्केट्स वगैरह दोस्तों थोड़ा सा इनकी केयर तो कम हो पाती है, मगर ये है कि सुंदर लगती हैं इसलिए मैंने बास्केट्स वगैरह यहाँ लगा रखी है, और आप भी लगाइए, पिटोनिया इसमें बहुत सुंदर लगते हैं, वर्बीना हो गए, पिटोनिया हो गए, स्पाइडर प्लांट भी बहुत अच्छा लगता है, और आप मनी प्लांट लगा दीजिए, वो गर्मियों का है तो मनी प्लांट भी अच्छा लगता है, अब गर्मियों में दोस्तों इसमें पेटुलका भी अच्छे लगेंगे, तो जिसको 9 to 5 कहते हैं तो वो भी अच्छे लगते हैं। ये तो देखो दोस्तों मैंने अभी अभी वीडियो शेयर करी थी ना स्केल प्लांट की, मैंने इसको शेड प्लेस में रख दिया है, अब ये काफ़ी टाइम चल जाएगा और मैं कोशिश करूँगी कि ये गर्मियों में भी मेरे साथ चल रहे और मैं इसकी केयर कर पाऊँ, ये मैंने इसलिए इसको मैंने शेडी प्लेस में रख दिया है। आइए दोस्तों है मेरा पर्पल हार्ट, और ये मैंने जो मैंने आपको फर्स्ट प्लांट दिखाया था पर्पल हार्ट, उसकी कटिंग से मैंने इसको लगा दिया, क्योंकि अब इसका सीज़न है और तो इसकी बास्केट से ऐसे करके लेयर निकलती हैं गिरती हैं तो बहुत सुंदर लगता है, आप पर्पल हार्ट को बास्केट में लगा सकते हैं। और दोस्तों ये देखिए मेरा मेहंदी का प्लांट, ये मैं अपने बालों में भी यही वाली मेहंदी लगाती हूँ दोस्तों, मैं केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, थोड़ा सा डर लगता है मुझे केमिकल वगैरह से, और आजकल वाइट बाल तो सभी के होते हैं, तो दोस्तों मैं यही यूज़ करती हूँ, अब गर्मियों में ही अच्छी हो जाएगी और बरसातों में तो इतनी अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी। इसके मैंने दो प्लांट गेंदे के हैंगे, ये मैंने सीड से ग्रो करे थे दोस्तों, देखिए कितने मोटे मोटे, देखिए कितने मोटे मोटे आए हैं इसमें फ्लावरिंग, अभी अभी आई है जस्ट, तो मैंने अब देखो दोस्तों धूप इतनी तेज़ थी कि ये बिल्कुल मुरझा गए, मगर अभी मैं इनको पानी दूंगी ना, इन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो मैं अच्छे से पानी दूंगी, और देखिए अभी इनके लीव्स अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, अच्छा लगता है ये यूरोपिया पानी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों, थोड़ा सा माइंड से चले गया, ये भी अच्छा लगता है दोस्तों प्लांट, और मैंने इसे टेरेस के ऊपर ही रखा हुआ है, फ्लावरिंग वगैरह अच्छी लगती है इसका। और इधर ये दोस्तों मेरी तुलसी है, ये किसी वजह से गिर विर गई थी तो इसकी जड़ वगैरह हिल गई, तो इसलिए इसमें मैंने इसकी कटिंग कर दी है, अभी यहाँ से इसके फिर लीव्स वगैरह फूटेंगे। और ये देखिए दोस्तों ये है मेरा आंवले का पौधा, इसकी भी दोस्तों मैंने इसकी भी रूट बॉन्ड हो गई थी, क्योंकि आंवले का पेड़ है और पेड़ को मैंने ये बाल्टी में लगाया था, तो फिर भी इसको इतनी ज़्यादा जड़ें इसकी हैवी होती हैं तो ये बाल्टी से भी बहुत ज़्यादा इसकी रूट्स इतनी सॉरी हो गई थी, तो मैंने अभी अभी इसकी रूट्स वगैरह कट करके, और ये देखिए दोस्तों मैंने इसकी प्रूनिंग भी कर दी है, और अब इसमें से आएंगी इसकी ब्रांचेस वगैरह, जब आएंगी मैं आपके संग वीडियो शेयर करूँगी। दोस्तों ये है मेरी फ्लेम वाइन है दोस्तों, ये फ्लेम वाइन है, इसका सीज़न है अब दोस्तों, मगर ये है कि मैंने अभी अभी खरीदे तो बहुत ज़्यादा बुशी नहीं है, इस साल तो मुझे लग रहा है इसमें फ्लावर आएंगे नहीं, इसके लीव्स वगैरह ही सही से रखे, देखिए तो कितने बड़े गमले में लगा रखा है, ये 18 इंची का इसका गमला है, इसकी वीडियो भी मैं आपके संग शेयर करूँगी मैंने किस तरीके से इसमें इस पॉट को मैंने ट्रांसफ़र करा और उसको रिपॉट करा दोबारा से नर्सरी से ला के। तो दोस्तों ये मैंने बहुत दूर से मंगाई थी फ्लेम वाइन, मेरे यहाँ मिल भी नहीं रही थी, मैंने काफ़ी दूर से मंगाई थी, और मेरा फेवरेट प्लांट है, और इसकी जो बेल आते हैं ना दोस्तों ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं, पूरी ग्रील आगे की ना भर जाती है, मैंने कहीं देखा था, और तो मेरा बहुत मन था इस प्लांट को लाने का तो मैं ले आई, मैं जिस प्लांट को सोच हूँ ना कि मैंने ये प्लांट लाना है तो मैं कहीं से भी इंतजाम कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, और इसका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, एक दो प्लांट्स ऐसे हैं जिनका नाम याद नहीं है दोस्तों। ये देखिए मैंने अपनी गुलदावरी की कटिंग कर दी है,
तो अप्रैल तक शायद इसमें एक बार और फ्लावर आ जाए। तो अच्छे से कटिंग कर दी है मैंने इसकी, अच्छे से प्रूनिंग कर दी है। तो आप भी अपनी गुलदावरी की, अगर आपके जो फूल वगैरह वो स्प्रेड हो गए हैं तो आप इसको इसकी कटिंग कर दीजिए। दोस्तों ये मेरा रात की रानी है, तो इसमें रात में फ्लावर्स आते हैं और बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है ये प्लांट। पता नहीं क्यों मैं इसको डेली पानी देती हूँ फिर भी ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल फुल भर देती हूँ। और प्लांट्स में तो मैं फिर भी कम पानी देती हूँ, मगर इसमें मैं बिल्कुल फुल कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत पानी मांगता है। एकदम से ड्राई हो जाती है इसकी मिट्टी, या तो इस टाइप धूप ज़्यादा पड़ती है। अब ये देखो दोस्तों, ये ऑलरेडी गीला है। अब इसमें मैं पानी नहीं दूंगी, क्योंकि दूंगी तो फिर बस हल्का सा लीफ में दिया इनफ है। ये भी मेरी गुलदावरी का पौधा है। इसके अलग अलग कलर्स हैं मेरे पास गुलदावरी के, सबकी मैंने प्रूनिंग कर दी है और मैंने वीडियो बना रखी है, बस एडिट करनी है, आपके संग शेयर करूँगी। इसकी भी दोस्तों रूट बॉन्ड हो गई थी, प्लांट्स बिल्कुल फटने को तैयार था। ऐसा हो जाता है दोस्तों, पता ही चल जाता है। और मैंने इसकी बल्कि रूट भी सही करी और इसको नए प्लांट उसी प्लांट में शिफ्ट करा, और मैंने इसके जो पौधे हैं वो डिवाइड करे। मैंने आपके संग वीडियो शेयर करी हुई है दोस्तों, वो यही प्लांट है, मुर्गा कलकी कहते हैं इसको। तो ये मैंने सीड से ग्रो करे थे दोस्तों, देखिए कितने प्यारे आ रखे हैं इसके फ्लावर्स। देखिए कितने जैसे ना बनावटी आर्टिफिशियल टाइप के होते हैं ना, ऐसे फ्लावर्स हैं इसके। ये मैंने सीड से ग्रो करा था। एक देखिए ये दोस्तों मेरा ब्रदर लेके आया था हिमाचल से मेरे लिए। ये ड्रैगन है, आपने ड्रैगन फ्रूट खाया होगा ना, तो ये वही है। इसकी भी मैं जल्द ही आपके संग वीडियो शेयर करूँगी मैंने किस टाइप से इसको इसकी मिट्टी वगैरह तैयार करी थी। और देखिए ग्रो भी हो रहा है बहुत अच्छे से, मतलब मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि यहाँ पे ग्रो भी हो जाएगा, ये हिमाचल का प्लांट है। और देखिए दोस्तों ये मैंने एक बहुत अच्छा कंटेनर से बना रखा है दही के, तो ये मेरे गार्डन में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। ये देखिए मैं इसमें हल्का हल्का ऐसी पानी दे देती हूँ, और जो दोस्तों इसकी ये आती है ना स्टेप से, इसकी जो ऐसे ब्रांचेस वगैरह से आती है, तो मैं इसको कट कर देती हूँ अगर मुझे चाहिए इसमें से ये बेबी प्लांट्स, क्योंकि इसे न्यू हम बना सकते हैं। मैंने सब में नहीं रखे हुए हैं ये, बस मैंने एक ही प्लांट में रखे, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इसको रखती हूँ ना तो ये बुश ही नहीं होता, सारी एनर्जी उसी में लगा देता है। तो इसलिए आप इसको अगर आपको नहीं चाहिए एक्स्ट्रा प्लांट तो आप उसी को यहीं से कट कर दीजिए, यहीं से कट कर दीजिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, अगर प्लांट अपने बेबी प्लांट्स बनाने लग जाएगा तो सारी एनर्जी उसकी उसी में ही वेस्ट हो जाएगी। तो आपने अगर नहीं चाहिए तो उसका ध्यान रखिए। और इसको कम धूप मिलती है शाम को, पूरे दिन में इसको एक दो घंटे की धूप मिलती है, तो ये पौधा यहाँ पे अच्छा है, सर्वाइव हो रहा है। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये आ रही है टहनीज की, तो मुझे ये प्लांट नहीं चाहिए, मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी। ये देखिए ऐसे, तो आप भी अपने पौधे में एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं उनको कट कर दीजिए। इससे क्या होता है दोस्त, जो पौधा है वो अच्छे से बुशी हो जाता है। मैंने सीड से ही ग्रो करे हैं, मैंने इसके वीडियो भी शेयर करी है आपके साथ। और ये दोस्तों मेरा सालविया है, इसकी वीडियो भी मैंने आपके संग शेयर करी है, बहुत सुंदर लगता है ये ऑरेंज के बीच में रेड का, दूर से दिखता है ये मेरी टेरेस पे, तो अच्छा लगता है दोस्तों। ये छोटी छोटी ऐसे कॉम्बिनेशन करके आप भी बना सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगता है, छोटे छोटे पॉट्स वगैरह। ये रेन लिली है, इसकी कटिंग कर दी है मैंने। और ये मेरा देखो दोस्तों अजवाइन का पौधा है, ये मैंने इसको भी छोटे प्लांट में शिफ्ट कर रखा है, मुझे बहुत ज़्यादा नीड नहीं थी, बस जस्ट ऐसी पूरी गेम है इसको। दोस्तों ये पूजा में काम आती है, धूप कहते हैं इसको, तो मैंने इसको भी उगा रखा है, कभी पूजा वगैरह में यूज़ हो जाती है। ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए रखा हुआ है, गुलदावरी के दो कलर हैं इसमें। तो दोस्तों हम मैंने कहा ना, हम शेयरिंग करते रहते हैं, आप भी शेयर करा करें अपनी फ्रेंड्स वगैरह से। ये भी मैंने अपनी फ्रेंड के लिए ही रखा हुआ है, ये मेरा है वही स्पाइडर, जो ब्रदर है वो हिमाचल से लेके आया था, इसके बेबी प्लांट्स लेके आया था। ये है अश्वगंधा, ये इसके बेबी प्लांट्स लेके आया था और ये मैंने इसको सीड से ग्रो करा था। तो देखिए आप कितने प्यारे छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स आ गए हैं इसमें। तो दोस्तों ऐसे आप अपने पौधों की, दोस्तों ये देखिए मेरे पटोल का आई हैं 9 to 5 जिनको कहते हैं, और ये मेरे देखिए दोबारा से ग्रीन हो गए हैं, क्योंकि मैंने इनकी ना विंटर्स में जब समर ख़त्म हुआ था तो मैंने इनकी कटिंग कर दी थी उसी टाइम। तो और अभी भी मैंने इसकी थोड़ी बहुत कटिंग कर ली है, तो देखिए बिल्कुल दोबारा से ग्रीन हो गया, अभी इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। मेरे पास इसके 9 to 5 के सारे कलर्स हैं, पिंक येलो। तो दोस्तों आज ये था मेरा डेली रूटीन जो मैं अपने पौधों के संग करती हूँ, और मैंने आपके संग भी शेयर करा है, और आपके संग भी शेयर करने की कोशिश करी है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आपको किसी भी पौधे के बारे में स्पेशल कुछ पूछना हो, कोई भी चीज़, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी भी पौधे के बारे में। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसका सॉल्यूशन वगैरह और जो भी मेरे से होगा मैं उसका फीडबैक दूँ आपको। तो देख दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।